Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Maheen and Arsalan, for joining me today. As we were just discussing, the primary focus of today's discussion is understanding the budget. Our main jo audience hai, wo quoting the law, focus on Pakistan and Kanundan pages ki hai. So a lot of people from the legal community will either be watching it live or will view this afterwards. हम ये बहुत सुनते हैं बजट के बारे में कि जी बजट आने से पहले और फिर पार्लियामेंट में जो बजट के ऊपर डिस्कशंस होती हैं उसमें भी काफ़ी मज़ेदार किस्म की बहस सामने आती है, लेकिन सब्सटेंटिव चीज़ें कई हम मिस कर जाते हैं. ऑब्वियसली टीवी चैनल्स पे हम देख रहे हैं जो हाइलाइट्स बजट की आ रही हैं. आई आस्क्ड अ फ्यू पीपल कि जी आपको क्या समझ आई है अभी तक बजट की. हमें ऑब्वियसली वो द बिग फोर ऑडिट फर्म्स हैव ऑल शेयर्ड देयर a synopsis, which is also not a summary. I mean, 20-30 page documents ke budget hai kya. But lekin wo yahi samajh mein aati hai ki ji tax koi nahi, is dafa naye koi tax nahi aaye, koi keh raha hai ki ji it's more of the same, pehle ki tarah, ye ki ji defense ka bahut budget hai aur education ka budget nahi hai, aur wo differentiation nahi highlight ho rahi ki ji federal aur provincial subjects kaun se hain, in particular in relation to education and health. So, इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसपे वी वुड लाइक टू यू नो हैव अ डिस्कशन. मैं अपने लिए भी और मेरे जो साथ दोस्त और बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी. और फॉर दोज हु मे नॉट नो यू, अरसलान सुमरो इज मैनेजिंग डायरेक्टर एट KSP सिक्योरिटीज. ही इज़ अ फ्रीक्वेंट कॉमेंटेटर, ब्लॉगर एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज. Maheen is a leading female executive in the country. She is the CEO of Alfala GHP Investments, again a leading voice on the subject, frequent commentator and contributor to such discussions. So thank you both for joining today. So pehla mera sawal jo hoga isme ke ye bataye ke ye budget hai kya, why do we have to every year around this time एक शोर होता है कि जी बजट आने वाला है. जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी ये कहता है जी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. सरकारी मुलाजमीन के बारे में ये ज़्यादातर कहा जाता है बिकॉज उनको होता है कि शायद कोई सैलरी इंक्रीज हो जाएगी बजट के साथ लिंक होके. सो इफ माइन स्टार्टिंग विद यू, इफ बोथ ऑफ यू कैन से व्हाट इज इट मीन टू यू एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि जी बजट है क्या. Thank you, Taimur, and thank you for having me on the show. It's the first time I've had an opportunity to address the legal community, so I'm really looking forward to it. So thank you very much for having me on this. I think aapka sawal bahut pertinent hai ki ye budget actually hai kya cheez, and why is it that har saal hum jo hai June ke time pe hum idhar fixate ho jate hain ki idhar kya changes aayenge aur kya different direction legi policy action legi government. I think pehle to hame samajhna chahiye ki budget kya nahi hai. Budget koi 5 saal ka plan nahi hai. Budget jo hai long term strategic direction nahi set karta. Budget jo hai wo mulk ka jo I would say broad policy action hai usko wo set nahi karta. Lekin बजट जो होता है वो सर्टनली बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है, गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट करता है, और आई वुड से ब्रॉडर अगर हम पाकिस्तान की आवाम के बारे में बात करते हैं तो उधर जरूर एक इम्पैक्ट जरूर आता है. और इसलिए आता है क्योंकि बजट जो है दो मेन चीजों पे फोकस करता है. एक चीज है टैक्सेशन जो कि हैज अ वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री ऑल बिजनेस इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली अगर वो आप फॉर्मल सेक्टर में हो तो टैक्सेशन जो होती है ना वो डिटरमिन होती है गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक. तो अगर लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ GDP को इंक्रीज करने के फोकस पे है तो फिर नेचुरली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बजट का जो रुख होगा वो ज्यादा टैक्सेशन की तरफ होगा. और अगर गवर्नमेंट का इरादा ये है कि इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे या फिर आम आदमी को रिलीफ देंगे तो फिर टैक्सेशन पे कम फोकस होता है और रिलीफ और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस होता है. तो ये एक बैलेंस होता है दैट फिट्स इनटू द गवर्नमेंट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के इस साल या अगले 2 साल या अगले 4 साल में गवर्नमेंट जो है
कौन सा डायरेक्शन लेना चाह रही है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें हम सब ऑपरेट करते हैं. तो बजट जो होता है इट इम्पैक्ट्स पीपल ऑन अ माइक्रो लेवल एंड इट इम्पैक्ट्स द गवर्नमेंट ऑन अ मैक्रो लेवल. Hence, that is why it is important to consider. लेकिन अगर हम समझ रहे हैं कि बजट के अंदर हमारे पूरे मुल्क के issues या you know problems का solution है तो वो नहीं आएगा सामने बजट के अंदर. वो चीज़ें जो होती हैं वो address होती हैं long term planning में, वो strategic direction की तरफ से address होती हैं. And जो हमारे मुल्क के जो structural problems हैं, whether they relate to the current account or whether they relate to you know the trade deficit or the fiscal deficit या फिर you know with relation to public sector enterprises या circular debt, ये चीजें जो होती है ना ये outside the scope of budget define होती हैं, but they have an influence on the budget itself and hence they have an influence on businesses. तो ये होता है पूरा budget का framework. इसीलिए I think हम you know we look के आगे एक साल जो है government क्या सोच रही है in terms of either taxation या फिर development expenditure या फिर relief package. तो इसलिए जो है एक साल के direction के लिए कम से कम जो budget है वो काफी important होता है for businesses and for professionals as well as for small businesses even if you are in the informal sector or the formal sector. Perfect. Arslan, would you like to add something to this, please? Thank you, Taimur, first of all, for inviting me here. I would just like to compliment what has been said here. उसमें कुछ चीजें अगर हम ब्रेक डाउन करें कि बजट के पर्पजेस मेरे ख्याल से तीन होते हैं. एक तो ये आपकी अकाउंटिंग एक्सरसाइज है और जिसमें हमें ये समझना होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आई हैं और वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम प्लानिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं कि ये प्लान किधर जा रहा है. फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान में 100 रुपए हम लोग टैक्स से इकट्ठा करते हैं या कोई चीजें प्राइवेटाइज करके इकट्ठा करते हैं उसमें प्रोविंसेस के पास कितना जाएगा, उसमें अपना पुराना कर्जा उतारने के लिए कितना जाएगा, उसमें डिफेंस में कितना जाएगा, उसमें हेल्थ और एजुकेशन पे कितना जाएगा जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं और वाइस वर्सा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कितनी होगी या हम अपने पुराने कर्जे कितने उतारेंगे. सो अगर आप देख रहे हैं तो एक तो ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है पूरे साल की 12 महीने की जिसमें हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं कि पैसे यहाँ से आए और ये पैसे यहाँ पे गए. सो बेसिकली हम लोग समझ लें इनफ्लोज और आउटफ्लोज देख रहे होते हैं कहाँ से पैसे आए, इनकम आपकी आई और आपके एक्सपेंसेस किधर गए. और तीसरा जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन का होता है. अवाम जो है वो टैक्स दे रही होती है, आप मैं ऑडियंस हर इंसान यहाँ पे फॉरेन एंटिटीज भी टैक्स दे रही होती हैं तो हमारा सबसे पहले सवाल होता है कि ये यूटिलाइजेशन क्या हो रही है इस टैक्स की. ये जो टैक्स हम दे रहे हैं जायज दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इसकी यूटिलाइजेशन क्या है और इस पे आपको गवर्नमेंट और आपके सिटीजन्स एंड आपकी इंडस्ट्रीज के बीच में एक लिंकेज बन जाती है टू बी एबल टू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर गवर्नमेंट, टू बी एबल टू हैव अ ट्रस्ट on your tax collector. ये tax payer से आता है. तो for instance just if we sum it up, planning आपकी जो है just आपके एक साल से बिल्कुल सही कह रही थी जैसे माहीन, तो आपको वो आपकी long term policies पता नहीं चलती लेकिन आपको direction समझ में आ जाती है. बहुत ब्रीफली अभी टच करते हैं, अगर इस वक्त गवर्नमेंट ज्यादा पैसे एलोकेट करती या रिन्यूएबल सोर्सेस को या आपके सोलर सब्सिडीज को तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता कि गवर्नमेंट जो है अगले 5 से 10 साल तक क्लाइमेट को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझती है, बुल्स को इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझती है, फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन करने को इम्पोर्टेंस देती है ताकि हमारे इम्पोर्ट बिल कम हो. सो बेसिकली इन अ नटशेल ये बजट हम लोग ईयरली एक्सरसाइज देख रहे होते हैं. ऑफकोर्स हमारी भी इनकम से उससे इफेक्ट होती है कि हम किधर पैसे खर्च करेंगे, हमारे कॉर्पोरेट टैक्स क्या होंगे, हमारे इनकम टैक्स क्या होंगे, या कोई चीज सस्ती होगी या कोई चीज महंगी होगी. बेसिकली गवर्नमेंट की तरजीहात हमें एक ईयरली फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस, कभी कभार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये कम्युनिकेशन करती है गवर्नमेंट अपने सिटीजंस के साथ. सो आई थिंक दैट्स द पर्पस ऑफ द बजट. ठीक, ये तो मुझे समझ आ गई आई थिंक एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय बोथ ऑफ यू. मुझे सिर्फ ये है कि इसमें एक आम आदमी जो है, पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आती जहाँ वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन के ज़मरे में आए, वो उसमें भी नहीं आती जहाँ पे उनको शायद पर्सनल इनकम टैक्स देने हों. तो ऐसी जो हमारी आम आवाम है उसके लिए बजट कितना इम्पोर्टेंट है. ऑफ़ कोर्स ये कि अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर
स्पेंडिंग हो रही है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर भी हो रही है बाकी तरह, तो चलें ये है कि कुछ चीज़ें बन रही हैं इसका मतलब है, बट उसके अलावा और क्या ऐसे चीज़ें आपके ख्याल में हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी के लिए भी बजट की अंडरस्टैंडिंग वो ज़रूरी है? माहिन, वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन दिस? आई थिंक अगर आप इस तरह सोचें कि पाकिस्तान में जो है ज्यादातर जो यू नो टैक्सेशन जो हो रही है फॉर एग्जांपल, वो ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 60% आई थिंक जो रेवेन्यू आता है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ से आता है, और देन वी हैव स्मॉलर सेगमेंट्स व्हिच इज इनकम टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स है, फिर कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा, वो छोटे वो आई वुड से माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं एज अपोज टू जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे जनरल सेल्स टैक्स या FET वगैरह ये जो टैक्सेशन हम कलेक्ट करते हैं. तो इसमें अगर देखा जाए तो इवन अगर आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे एज एन इंडिविजुअल, आपके लिए फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है इट बिकम्स अ बिग कंपोनेंट, बिकॉज राइट नाउ पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स अलोन है is about 12%, aur pichle saal this was close to almost 16% depending on the province. So this can raise the overall cost of living. Isme jo hai generally mehngai ho jati hai, to uski wajah se ye ek important cheez hai ki taxation particularly indirect taxation ko kafi follow karna padta hai. Also I think ek dusra element hai of documentation jo ki bahut sari governments ne koshish ki hai pichle I would say 10 साल में. आई हैव सीन मेनी गवर्नमेंट्स ट्राई टू इंक्रीज द ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत कैश बेस्ड इकोनॉमी है. आई वुड से ऑलमोस्ट 60% ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हमारी होती हैं वो कैश में होती हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्मलाइज अ लॉट ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी. व्हेन यू फॉर्मलाइज देम देन यू आर एबल टू रिकॉर्ड देम एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. उसकी वजह से आपका GDP जो है अंडर रिफ्लेक्ट होता है अगर हम ये ट्रांजैक्शंस ना रिकॉर्ड करें, एंड एट द सेम टाइम अगर वो रिफ्लेक्ट कहीं नहीं हो रहा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो फिर वो टैक्सेशन नेट में इन द फ्यूचर आ ही नहीं सकेगा. एंड दैट हैज एन इम्पैक्ट फॉर द गवर्नमेंट, इट हैज एन इम्पैक्ट फॉर द कंट्री एज अ होल. सो एक डॉक्यूमेंटेशन का बहुत है. आपने पिछले साल बहुत सुना होगा कि NIC की जरूरत पड़ गई थी ऑन सर्टन ट्रांजेक्शंस दैट वो ओवर अ सर्टन अमाउंट, आई थिंक 20,000 और 50,000 रुपीज द अमाउंट, तो उसके लिए NIC जरूरी हो गया था. तो ये चीजें क्यों ला, ये सारे बजट में इंट्रोड्यूस हुई थी ये मेजर्स, और ये इसलिए हुआ था ताकि डॉक्यूमेंटेशन जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी की वो ज्यादा बढ़ जाए, ताकि जो टैक्स चोरी हो रही है उस पे जरा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आई थिंक टैक्स चोरी जो है वो एक बहुत यू नो दिस इज आई वुड से अ कैंसर दैट विल ईट अप जो भी आपकी गवर्नमेंट की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैपेबिलिटी है. और तीसरी चीज आई थिंक जो आम आदमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है सोशल नेट्स, सोशल स्पेंडिंग नेट्स. स्पेशली अगर अभी देखें कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, एंड यू नो ये पूरी दुनिया में एक चीज आई हुई है जिसके लिए देयर आर मेनी डिफरेंट गवर्नमेंट्स ट्राइंग मेनी डिफरेंट थिंग्स. आई डोंट थिंक किसी एक गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन है कि ये अगर ट्राई करेंगे तो कोविड खत्म हो जाएगा या फिर यू नो आपकी रिलीफ आ जाएगी इकोनॉमी. तो एवरीबडी इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. तो पर्टिकुलरली इस टाइम पे सारा जो आपका सोशल नेट क्रिएट होता है वो बजट के अंदर होता है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग के अंदर होता है. तो सोशल नेट्स को क्रिएट करना, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ जो यू नो एहसास प्रोग्राम्स हैं या इन द फॉर्म ऑफ जॉब क्रिएशन जो हो रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर यू नो द कॉमन मैन टू अब्सॉर्ब एंड अंडरस्टैंड. इसके साथ साथ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, फ्यूल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, आगे कौन सी टैक्स किस चीज पे लगेगी, इस पे महंगाई पे इम्पैक्ट होता है, रिलीफ मेजर पे इम्पैक्ट होता है. तो यू नो दीज आर द रीजंस व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट के यू नो ये चीज रिफ्लेक्ट हो सही तरीके से बजट में, एंड इट डज हैव दैट इम्पैक्ट ऑन द एवरेज पर्सन. राइट. सो अरसलान, माहिन हाईलाइटेड द पॉलिसी इम्पैक्ट एज वेल जो बजट के थ्रू होता है, और ये कि आपने भी पहले बात की कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसमें पॉलिसी डायरेक्शन भी नजर आती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब अभी बजट आया नहीं होता तो एक मिनी बजट की बात शुरू हो जाती है. अभी भी ये भी बजट आया है तो साथ ही बात आनी शुरू हो गई है कि जी मिनी बजट आएंगे. तो खासतौर पे जो आप 5-10 साल वाली आप दोनों बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो एक आम तासुर ये आना चाहिए कि जी बजट की हर साल जरूरत क्या होनी चाहिए, फिर 5 साल बाद आना चाहिए, या एक दफा जो नई हुकूमत आई है वो अपना बजट लेके आए और वो उसकी रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द गवर्नमेंट वो उसके ऊपर फिर राइट और रॉन्ग अमल करने की कोशिश करें. तो ये जो एक एनुअल बजट के अंदर भी
ये मिनी बजट्स की बात है, which I assume means कि जी कुछ महीने बाद एक और या हर क्वार्टर में एक और मिनी बजट आ सकता है, तो ये क्यों है और उससे क्या बल्कि जो स्टेबिलिटी और पॉलिसी डायरेक्शन वाली बात है वो उसकी नफी नहीं होती? वेरी रेलेवेंट तैमूर भाई. फर्स्टली मिनी बजट बिल्कुल आते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट्स हो चुके हैं हमारे जैसे मुल्क के अंदर स्पेशली, और मोर इम्पोर्टेंटली जब हम लोग IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो मिनी बजट हम देखते हैं बहुत ज्यादा आता है. तो देखिए पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं उसमें हम लोग जा कह रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ने इस बजट में जो एक बड़ा एग्जैजरेटेड बोला जाए या बड़ा मुश्किल टारगेट अपने लिए टैक्स का रखा है, वो एक अथॉरिटीज को मैसेज देने के लिए रखा है अपने लेंडर्स को कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए. इस वक्त स्पेसिफिकली इस साल कि जो हम बता रहे हैं कि मिनी बजट की जरूरत क्यों होगी, वो इसलिए होगी कि प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल है. इट्स एक्सेप्शनली मुश्किल फॉर द कंज्यूमर्स या प्रोविंसेस या इवन फेडरल गवर्नमेंट, सबके लिए मुश्किल है. अगर आप आज बैठ के अगले 3 महीने तक या 2 महीने तक या इवन 6 महीने तक फोरकास्ट करें कि आपके बिजनेसेस में कितने प्रॉफिटेबिलिटी होगी, टैक्स और एक्सपेंसेस को तो आप छोड़ ही दें, ठीक है जनाब. सो इस वक्त हमें मैसेज देना था दुनिया को, अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को, अपने करंट इन्वेस्टर्स को, कि हम लोग क्या करने जाएंगे. वो ये था कि टैक्स हमें बढ़ाना है, ठीक है. और एक उम्मीद दिखाई गई है इस बजट के अंदर कि कोरोना बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगा और बिजनेसेस रिवाइव करना शुरू हो जाएंगे और लोगों की जो है कंजम्पशन और मोबिलिटी वापस रिवाइव हो जाएगी, चले 90% ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी कोरोना से पहले जमाने में. लेकिन ये होगा नहीं. You know it, I know it. हम सबको पता है, even government को भी पता है कि वरना अगले दिन हफीज शेख साहब आके टीवी पे कह रहे हैं कि ये ambitious से हमने रखा हुआ target हमें लगता है ये achievable नहीं है, और कोई ऐसा document नहीं है जिसको हम बार बार change नहीं कर सकते. तो देखें, एक तो mini budget ये हो गया कि हमारे targets यहाँ से meet नहीं हो रहे, हमने कुछ और सोचा है, इस तरीके से इसको plug करेंगे. दूसरा, मिनी बजट के साथ साथ मेरा ख्याल है इसको पॉलिसी चेंज करना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि पॉलिसी स्टिमुलस, या आपको बार बार एक रिलीफ देना पड़ेगा, आपको हर तरीके से एक रिलीफ देना पड़ेगा बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, जो आपने बजट के टाइम तक नहीं सोचा था. देखिए हमारा जो फुल लॉकडाउन हुआ वो अप्रैल में हुआ, चाहे वो प्राइवेट बिजनेसेस हो या गवर्नमेंट हो, ये पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हुई है. उसके बाद रमजान एंड ईद वी हैड टू डू द बजट, बजट हमें निकालनी थी एक टाइम से पहले निकालनी थी. वो जैसे हम कह रहे थे एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज लग रही है टू लार्जर एक्सटेंट, और ये मिनी बजट इसलिए फिर जरूरी हो जाएगा अभी कि ए, कोई नई चीज अगर आपने सोची है जहां पे जायज डिमांड है प्राइवेट सेक्टर की, जायज डिमांड जहां से मुल्क को टैक्स रेवेन्यूज का फायदा हो या मुल्क को एम्प्लॉयमेंट का फायदा हो या मुल्क को एक्सपोर्ट्स का फायदा हो, जो तीन इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए. तो ये मिनी बजट के नाम लेके वो बोलेंगे हम लोग एक मिनी रिलीफ बजट्स दे रहे हैं जिसमें हम लोग अपने आप को अलाइन कर रहे हैं विद न्यू ग्राउंड रियलिटीज. इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, विद 95% एरर के साथ किसी को नहीं पता, ठीक है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है. इस वजह से मिनी बजट इस साल तो इसीलिए जरूरी है ताकि हम अपनी जी आई थिंक सलान के फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल जी प्लीज गो अहेड. Can you guys, I'm connected now. So yeah, maybe yeah. अगर 3 महीने के बाद अगर हमें ज्यादा डेटा सेट आता है गवर्नमेंट को कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, स्टेट बैंक के पास नंबर डेटा आता है कि लोग ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वो पॉलिसीज अपनी चेंजेस इवॉल्व करके बड़े डायनामिक तरीके से, देखें ये जिद की बात नहीं होती कि बजट अभी डाल दिया तो 6 महीने बाद और 12 महीने बाद देखी जाएगी, ठीक है. इसका एक काम होता है आप कंटिन्यूअसली अपने आप को रिफॉर्म करते रहें और इंप्रूव करते रहें जैसे जैसे इकोनॉमी में जहां पे जरूरत है. तो मेरा ख्याल है इस साल जो मिनी बजट्स आएंगी वो आपकी वो पॉलिसी चेंजेस ज्यादा बताएंगी इन टर्म्स ऑफ द रिलीफ इंस्टेड ऑफ सिर्फ इंक्रीजिंग द टैक्स रेवेन्यूज. ठीक, मैं इसमें ये सिर्फ कहूंगा कि जी ये ऑडिटिंग और फाइनेंशियल एक्सरसाइज के अलावा बजट एक लीगल एक्सरसाइज भी है, और जो वकील सुन रहे हैं वो शायद बेहतर समझेंगे. और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है. आप सुनते हैं कि जी गवर्नमेंट बंद हो गई है बिकॉज अगर बजट पास ना हुआ हो या फाइनेंस बिल पास ना हुआ हो तो यू कांट रियली पे द सैलरीज ऑफ स्टेट एम्प्लॉइज और गिव फंड्स टू स्टेट एंटिटीज टू ऑपरेट.
ये इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली एक लीगल चीज भी है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर फिर उसको करना है और करना जरूरी है। इसमें मेरा ये माइंड आपसे ये सवाल होगा कि यू नो ऑब्वियसली यू आर द सीईओ ऑफ एन एसेट मैनेजर एज वेल, तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड परहैप्स इवन स्पेसिफिकली फॉरेन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बजट एज पर एक्सपेक्टेशन है, अच्छा है? यू थिंक कि हम पाकिस्तान में या मार्केट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकेंगे इस बजट की बेसिस पे, कि इट इज व्हाट इट इज? आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो है वो बजट के बेसिस पे कभी नहीं आती, इन्वेस्टमेंट आती है मुल्क के हालात के ऊपर। तो अगर आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है आपका, जो आपकी करेंसी का आउटलुक है, जो आपके फिस्कल पोजीशन का आउटलुक है, ये चीजें बजट में जरूर रिफ्लेक्ट होती हैं, बट दिस इज नॉट द रीजन दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स और इवन लोकल इन्वेस्टर्स कम टू पाकिस्तान और द वे दे लुक एट पाकिस्तान। आई थिंक अगर मैं इफ आई स्टार्ट फर्स्ट विद लोकल इन्वेस्टर्स, इसमें अगर हम देखें इस वक्त जो है ना, देर इज अ लॉट ऑफ फेयर एंड देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और जनरली स्पीकिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको ये फेयर अनसर्टेनिटी ये चीजें दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड इन द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। तो ज्यादातर जो हमने देखा है पिछले आई वुड से लास्ट 4 5 मंथ्स जब से ये कोविड और बढ़ा है, आई थिंक द फ्लाइट हैज वेरी मच बीन टूवर्ड्स सेफ्टी। यानी कि पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन मनी मार्केट साइड, या फिर जो बैंक डिपॉजिट साइड्स होते हैं, या नेशनल सेविंग साइड्स होती हैं, या जो बिल्कुल सेफ किस्म के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उधर ज्यादा आई थिंक द डायरेक्शन इज डेफिनेटली देयर। आई थिंक दे आर सर्टन इन्वेस्टर्स दो जो देख रहे हैं कि चीजें जो हैं स्पेसिफिकली वैल्यूएशन साइड पे अगर हम बात करें, थिंग्स लाइक जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत नीचे आ गई है, या जो वैल्यूएशन है इन दीज एरियाज वो काफी सस्ती हो गई है। सो दे आर सर्टनली क्वेश्चन नाउ बींग आस्ड बाय लोकल इन्वेस्टर्स एज वेल कि कौन सा अच्छा टाइम होगा स्टॉक मार्केट के अंदर घुसने का, बिकॉज हमने काफी पिछले 2 साल में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी ड्यू टू आर ओन इकोनॉमिक सिचुएशन। लेकिन जस्ट प्री कोविड, जस्ट बिफोर कोविड हिट अस, चीजें जो थी वो काफी बेहतरी की तरफ जा रही थी एज फार एज द इकोनॉमिक्स वो कंसर्न, और उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छी रैली दी थी। लेकिन ऑब्वियसली पोस्ट कोविड, बिकॉज द अनसर्टेनिटी थ्रेशोल्ड हैज बिकम सो हाई, देयर हैज बीन अ बिग डिप इन द मार्केट। अब थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि हाउ विल दिस रियली प्रोग्रेस, इज दिस सस्टेनेबल और नॉट। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स दो तीन चीजें देख रहे हैं, एक तो वैल्यूएशंस पे आई थिंक फोकस है, दूसरी चीज अभी जो आगे जाके अर्निंग्स आएंगी कंपनीज की जून में सितंबर में, दोज विल रियली इंडिकेट कि बिजनेस इम्पैक्ट जो है ना असल क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, बिकॉज दैट इज देन अ रिफ्लेक्शन कि ब्रॉडर इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये एक फोकल पॉइंट होगा फॉर इन्वेस्टर्स के, ये जो बजट आया है हाउ विल दिस बी एबल टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अर्निंग्स दैट वी सी ऑन द कंपनीज दैट आर लिस्टेड। और इस लिहाज में आई थिंक एटलीस्ट दिस बजट हैज सर्टनली हेल्प्ड अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जो रॉ मटेरियल लोकली यूज होता है उस पर काफी कंसेशन दिए हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड सो फॉर्थ, एंड दिस विल हेल्प इम्प्रूव द मार्जिन्स ऑफ कंपनीज जो ऑलरेडी लॉसेज में थी बिकॉज ऑफ कोविड, और फिर आगे जाके दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द डिमांड एंड ट्राइंग टू रिवाइव द बिजनेसेस। तो कम अज कम इधर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा अगर रॉ मटेरियल की कीमत जो है वो सस्ती हो जाएगी। दिस इज समथिंग दैट दिस बजट हैज certainly tried to address. और अगर मैं foreign investor की बात करूं, देखिए foreign investor globally इस वक्त is not any different, वो भी बहुत हद तक flight to safety पे जा चुका है। लेकिन I would say कि जो मुल्क the countries that have managed to get some control in terms of the virus spread and have opened up their economies much more, उधर जो हम रिकवरी देख रहे हैं, वेदर इट इज इन एसेट मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स, वो रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, स्पेशली जहां पॉलिसी एक्शन वाज टेकन अर्ली स्पेसिफिकली बाय द सेंट्रल बैंक्स एंड देन आल्सो वाज फॉलोड बाय वेरी अग्रेसिव फिस्कल स्टिम्यूलस। उधर हमें नजर आ रहा है कि इन्वेस्टर्स ने उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लिया है, एंड हेंस द रिकवरी इन एसेट प्राइसेस, बॉन्ड प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस, आप हर चीज की बात करो। तो आई थिंक हमने थोड़ा सा सिमिलर ट्रेंड यहाँ फॉलो किया है,
लेकिन आई थिंक जहां शायद थोड़ी सी कमी रह गई है इस बजट में, दिस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बजट जहां टैक्स रिलीफ वाज गोइंग टू बी अ बिग कंपोनेंट एंड एक्सपेंशनरी स्पेंडिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है अपनी तरफ से, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट और इट इज सोशल स्पेंडिंग एंड सो फोर्थ, इसको आई थिंक हमारा जो एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम द इन्वेस्टर कम्युनिटी ये शायद ज्यादा होगा, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलीफ एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशनरी स्पेंडिंग. क्योंकि आपने जो इस वक्त अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो दिस क्वार्टर हैज प्रॉब्ली बीन वन ऑफ द वर्स्ट वंस इन हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान, जहाँ हमने बहुत हैवी नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में. तो आगे जाके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिवाइव करने के लिए we needed, I would say, a stronger focus on the expansionary plans and a stronger focus on the relief efforts. And certainly, I think, and this is not within the budget, this is part of the State Bank, certainly much more benign in terms of the interest rate environment. ताकि जो businesses हैं, इनको थोड़ा सा confidence आए कि business को revive करने की तरफ जाएं. तो I think that is शायद वो थोड़ी सी कमी रह गई है इस budget में. थोड़ा सा एड्रेस हुआ है, बट आई थिंक सर्टनली मोर कैन बी डन. सो आई एग्री विद अरसलान कमेंट कि मिनी बजट तो जरूर आएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इनफ हैज बीन डन इन दिस बजट टू फुली एड्रेस टू चेंजिंग सिचुएशन हमें इस वक्त नजर आ रही है. अच्छा अरसलान, आपसे भी यही सवाल ऑब्वियसली कि व्हाट डू यू सी फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. बट उसके अलावा एक और चीज मैं पूछूंगा, आपने एक आर्टिकल ट्रिब्यून में लिखा ब्रेकिंग डाउन द बजट, तो उसमें जो आपने कुछ बातें हाईलाइट की फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव, वो भी अगर आप कुछ उनका जिक्र कर. सॉरी तैमूर, कैन यू रिपीट योरसेल्फ अगेन, आई लॉस्ट यू फॉर अ फ्यू सेकंड्स. मैं ये कह रहा था कि एक तो यही, बिकॉज़ ऑब्वियसली एट केएसबी सिक्योरिटीज यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टर्स एज वेल, कि आपका क्या ख्याल है और एक्सपीरियंस क्या है अभी तक, और सेकेंडली आपने ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा ब्रेकिंग डाउन द बजट, सो उसमें जो आपने चीजें हाईलाइट की, अगर वो भी कुछ बातें आप हमसे शेयर कर लें. जी थैंक यू तैमूर. देखिए मेरे हिसाब से अगर हम इन्वेस्टर्स की इस वक्त बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेस्टर की प्रोफाइल क्या है. अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा बंदा है जो 50 प्लस है, उसको सिर्फ मंथली इनकम चाहिए या क्वार्टरली उसको कैश डिविडेंड्स चाहिए, तो उनको हम डिफेंसिव स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेट करवाने के मशवरा देते हैं. कि आप डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी अर्निंग्स या प्रॉफिट्स इतने ज्यादा गिरे नहीं है इन हालात में भी, क्योंकि उनका कारोबार अभी भी चल रहा है, उनके इतने ज्यादा लोन्स भी नहीं है, उनका कंजम्पशन ज्यादा रुकी नहीं है उनके जो प्रोडक्ट की या सर्विस की जो वो दे रहे हैं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एसेट वैल्यूज में बहुत सस्ते हो गए हैं. बिकॉज देखें स्टॉक मार्केट में लोग एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहे होते हैं. एक तो है आपकी शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन, के जैसे माहिन कह रही थी कि जून के आपके प्रॉफिट्स बहुत खराब आएंगे और सितंबर के भी बिल्कुल खराब आएंगे, तो हम देख सकते हैं काफी कंपनीज की प्रॉफिट जो है शॉर्ट टर्म में बहुत खराब आएंगे और कुछ इन्वेस्टर्स इस वजह से वो स्टॉक्स बेच रहे हैं और वो बिल्कुल सस्ता बेच रहे हैं. ठीक है, तो ये एक आपका आस्पेक्ट हो गया शॉर्ट टर्म. दूसरा एस्पेक्ट हो गया आपका लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म हमें देखना है, मतलब 3 से 4 साल बाद, एक कोरोना के बाद के जमाने, देखें रिकवरी के ऊपर बेट करनी होती है आपको. इन्वेस्टर्स को ये देखना होता है कि रिकवरी अगर होगी तो किन किन सेक्टर्स में ज्यादा होगी. मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमारी सारी ऑडियंस को पता होगा कि ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में गिर गई हैं और डिमांड गिरने की वजह से और यूएस की प्रोडक्शन की वजह से तो ऑयल प्राइसेस गिरती हुई रहेंगी. तो अगर आज इन्वेस्टर आता है 5 साल का होराइजन लेके या 4 साल का होराइजन लेके जिसमें उसको इन्वेस्ट करना है और अच्छे पैसे बनाने हैं, तो उसको फिर ऑयल जो स्टॉक्स वो कंपनीज जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए उसका कैपिटल तो पैसे तो संभाल लेंगे, लेकिन वो अगले 4 से 5 साल तक उसको वो शायद रिटर्न या प्रॉफिट्स ना दे सके जिसकी वो उम्मीद लेके स्टॉक मार्केट में आता है. सो सबसे पहले तो इन्वेस्टर की हमने प्रोफाइल देखी जो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तो आप डिफेंसिव हो जाएं, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप इस वक्त रिस्क लें. वो रिस्क इसलिए लें क्योंकि दो चीजें कहनी चाहिए कोरोना की वजह से मुल्क को फायदा हो गया है जो हम लोग मार्च तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. वो ये कि आपकी ऑयल प्राइसेस जो थी इंटरनेशनली 65-70 डॉलर्स के होवर कर रहे थे. ठीक है जनाब, वो अभी आपकी 38 डॉलर हो गई है, 25 तक भी गई थी, न्यू बेस है 40. तो ऑयल प्राइसेस जब गिरते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क या कोई और मुल्क होते हैं जो नेट एनर्जी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तुर्की हो गया, बांग्लादेश, इंडिया,
वियतनाम, इनको फायदा होता है बिकॉज इनके जो खर्चे हैं, इनकी कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं, इम्पोर्ट भी आपकी कम हो जाती है, आपकी करंट मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो जाती है। तो एक तो कोरोना का फायदा हमें ये हो गया कि आपका ऑयल प्राइसेस गिर गए, नंबर वन। नंबर टू, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, अगर आप 3 महीने पहले किसी भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, वो ये था इंटरेस्ट रेट कट्स होकर, क्योंकि आपकी ऑयल प्राइसेस इतनी गिर गई और आपके पास इतनी गुंजाइश हो गई स्टेट बैंक के पास कि उन्होंने 5% डिस्काउंट रेट कट किया, 5.25%, मतलब 13 से 8 कर दिया। ये 30% आपके, जो अगर आपको समझ लें कि 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना था महीने का, तो वो आपका हो गया 7 लाख रुपए बिजनेसेस के हिसाब से, वो तो आपको एक इमीडिएट रिलीफ हो गया। और इस बजट में जो इन्फ्लेशन का टारगेट हुकूमत ने दिया है, एक वाहिद चीज है जो अच्छी हुई है वाहिद और में से, वो है 6.5%। वो 6.5% अगर इन्फ्लेशन का टारगेट आ रहा है हमारे पास, तो स्टेट बैंक को हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है जनाब। तो हम ये दो चीजें जो है ना, हमें सस्टेनेबल लग रही है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, केएसपी के इन्वेस्टर्स के लिए, जो एडवाइस करते हैं ऑयल प्राइसेस नीचे है, इंटरेस्ट रेट नीचे है, अब हम थोड़ा जो है बियॉन्ड द क्लाउड्स, मतलब अंधेरे से आगे निकलने की, सिल्वर लाइनिंग की कोशिश करते हैं कि अगर 2 साल 3 साल के बाद का आपका होराइजन लेना है तो आपको कौन से स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, वो फिर हम पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टर को एडवाइस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जंप करना कोई गलत स्ट्रैटेजी होगी कि कल सुबह को इतने हालात अच्छे नहीं हुए कि हम कल सुबह उठ के इन्वेस्टर्स को बोलें कि आप हर पूरे पैसे इन्वेस्ट करें, नो। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। लोगों की जमा पूंजी इज अ वर्ड जो रेगुलेटर एनकरेज करता है, हम भी कहते हैं लाइफ सेविंग्स होती है कि इनकी कंजम्पशन, क्या इनकम पैटर्न्स कम हो गए, चाहे वो उनकी पे कट्स हो जाए या जॉब की सिक्योरिटी नहीं हुई या बिजनेसेस में लॉसेस भरने पड़ जाते हैं, तो वो उनको इतना अग्रेसिवली नहीं बोलते कि जज्बात में आके बहुत जल्दी, मतलब सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाते शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ, लेकिन 3 से 4 साल के लिए आप आते हैं तो मैं एडवाइस करता हूँ, यही टाइम होता है जब बिल्कुल बुरे हालात होते हैं तो चीजें सस्ती मिलती हैं। आपको याद होगा हमारे मुल्क में 20 साल में 2008 भी ऐसे आया है, 2017 भी आया है, और उससे पहले भी हमने देखा जब ये क्राइसिस होते हैं तो इन्वेस्टर का फियर आता है, जब खौफ आता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये टाइम होता है जो इन्वेस्टर मेजॉरिटी जो कॉमन है वो रिस्क अपना नहीं लेते, वो चीजें बेच देते हैं और वो ये नहीं देखते कि कोई सस्ती है या महंगी है, वो कहते हैं बस मुझे करना ही नहीं है। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, हम रिकमेंड करते हैं कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन हो, मतलब अभी आप शुरू करें इन्वेस्ट करना ताकि 3-4 साल के होराइजन से आप इकोनॉमी में दो चीजें, जैसे तैमूर में पहले बात कर रहा था, जो कोरोना की वजह से अच्छी हो गई है, वो है ऑयल प्राइसेस गिरा और आपका इंटरेस्ट रेट कट हुआ। और जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ, मैं एक डेटा आपको भी बता दूं, चलो अभी 16 दिन में आपके फॉरेनर्स ने जो सेलिंग किया है, ठीक है, आपके 60% जो है लोकल इंडिविजुअल्स ले गए हैं, वो इन द स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। और लास्ट मंथ फॉरेनर्स ने $40 मिलियन की सेलिंग की और वही $40 मिलियन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की। जरूरी नहीं है कि वही स्टॉक खरीदे, मैं आपको सिर्फ क्वांटम बता रहा हूँ। और ये वो इंडिविजुअल्स हैं अमूमन जो हाई नेटवर्थ होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा है, जिनके सबर करने की, मतलब उनके अंदर पोटेंशियल होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेक्यूलेटिव, जैसे माइन कह रही थी, हमें नहीं पता कि हालात कितने और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि असद उमर साहब कह रहे हैं 12 लाख लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे बाय नेक्स्ट मंथ। तो ऐसी जो कॉम के अंदर फीलिंग आएगी तो लोग थोड़े घबरा जाएंगे, इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना है। हम कहते हैं केएसपी के हिसाब से, आई पर्सनली आल्सो रेकमेंड कि टेक लॉन्गर व्यू, 3 से 4 साल देखें। ठीक, नहीं घबराना तो हमें नहीं है, सो लेकिन बाकी ये बहुत बात होती है कि जी बजट की हाइलाइट्स आप किसी से पूछें तो वो कहते हैं कि जी ये मैंने शुरू में जिस तरह बात की कि जी डिफेंस की एलोकेशन ज्यादा है, एजुकेशन और हेल्थ पे कम है। सो अपार्ट फ्रॉम जो आप इकोनॉमिक चीजें देख रहे होते हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ आर डोमेस्टिक सब्जेक्ट्स अब, और उनका ज्यादातर बजट जो है वो प्रोविंसेस के बजट्स में आएगा, तो जो आप जब मनी मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, माइन परहैप्स यू कैन आंसर दिस, कि प्रोविंशियल बजट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव, और क्या आपसे इन्वेस्टर्स या जब आप लोग खुद आपके अपने रिसर्च टीम्स हैं जब रिसर्च कर रहे होते हैं, डू यू लुक एट हाउ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड इवन डिफेंस और एजुकेशन, कि आप लोग सिर्फ ज्यादा फोकस होता है कि जी कहाँ रेगुलेटरी ड्यूटी पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर
क्या हो रहा है, रिलीफ किधर मिल रही है, व्हाट्स द बैलेंस ऑन ऑल ऑफ दिस माइंड. आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया एंड दैट इज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. देखिए सिंस द 18th अमेंडमेंट द प्रोविंसेस हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. यू नो देयर अ लॉट ऑफ टैक्सेशन व्हिच इज नाउ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि प्रोविंसेस एंड फेडरेशन जो है वो दोनों दोनों अलाइन हो, क्योंकि अगर स्पेशली ये जो इस वक्त सिचुएशन है कोविड की जहाँ पे हेल्थ पे बहुत फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसकी वजह से आई थिंक अलाइनमेंट बहुत जरूरी है बिटवीन व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द हेल्थ इशू. क्योंकि आई थिंक हमने अब डिसीजन ले लिया है फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल कि ये हम इकोनॉमिक इशू अब नहीं इसको अलाउ होने देंगे, हम इसको हेल्थ इशू पे लेके जाएंगे. लेकिन जाहिर है कि अगर ये हेल्थ इशू बहुत बड़ा हो गया और काबू में ना आया तो फिर ये इकोनॉमिक इश्यू भी बन जाएगा, तो आप इससे हट नहीं सकते. तो इसमें ये यू नो व्हाट वी लुक फॉर दिस, आई मीन आई थिंक इन द पास्ट हम एज इन्वेस्टर्स जरूर देखते थे कि फेडरल बजट में क्या है, प्रोविंसेस को शायद थोड़ा कम अहमियत देते थे, लेकिन आई थिंक दिस टाइम राउंड वी विल स्पेंड अ लॉट मोर टाइम लुकिंग एट कि प्रोविंसेस भी क्या स्पेंड कर रहे हैं एज अपोज टू द फेडरल गवर्नमेंट. एंड हियर आई विल से कि शायद प्रोविंसेस में ज्यादा flexibility here to increase allocation towards health spending etc. simply because ek debt burden jo provinces ke andar hota hai jo provinces mein nahi hota jo federal government mein hota hai. Aapko is tarah se dekhna chahiye ki federal government ka jo budget aata hai wo I would say 60-70% already determined hota hai kyunki ek defense spending hai which is a certain segment 14-15% wo definitely udhar allocation jayegi aur dusra jo hamara debt servicing wala jo component hai that is now taking up more than 50-55% of the entire expenditure if you like on the budget side. So in do wajah se wajuhat se chahe aap usko circular debt mane ya external debt financing mange ya usko domestic debt pe dekhe, our debt component now is so large ke government ke haath I would say bahut had tak bande hue in terms of what actually they can allocate elsewhere. तो उसकी वजह से जो है the spending that is done, whether it is education, whether it is health, certainly increase तो हुआ है लेकिन बहुत marginal increase है. और certainly I would say कि इस वक्त जो need है country की in terms of greater access to healthcare for everybody, because everybody will eventually be affected by COVID. वो हमें नहीं नजर आ रहा कि हाउ दे विल मीट दिस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट बजट. तो इसीलिए ज्यादा एम्फोसिस अब वो प्रोविंसेस पे चला जाएगा कि अगर प्रोविंशियल बजट सामने आया तो उधर जो है हाउ मच मोर आर द प्रोविंसेस विलिंग टू नाउ स्पेंड टूवर्ड्स द हेल्थ कंपोनेंट. एंड दैट विल रियली डिटर्मिन भाई कि हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस कोविड stays a health problem and doesn't spill over into an economic problem. So, you know, this is the very fine, I would say, balancing act jo is for government ko, you know, manage karna hai, both from the central government level as well as the provincial. So, normally, Pakistan mein, pichle aap dekh rahe honge pichle 3-4 mahine mein, ke politics tends to come in the way of a lot of decision making. So, jab politics beech mein aa jata hai, to फिर ये होता है कि आवाम जो है वो सफर करेगी. 99% ऑफ द टाइम जो है आवाम सफर करेगी स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दिस. तो यू नो इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि जो भी अब फाइनल बजट निकले, अभी भी आई अंडरस्टैंड कि काफी यू नो देयर आर सम एडजस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड इन दिस बजट और उसके बाद फिर प्रोविंसेस पे आएगा, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपेरेटिव कि प्रोविंसेस वर्क इन लाइन विद द फेडरल गवर्नमेंट. दे अंडरस्टैंड द नीड टू स्पेंड ऑन हेल्थ एट दिस पॉइंट इन टाइम. इन द पास्ट हिस्टोरिकली हमारा हेल्थ पे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, हमारा एजुकेशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लेकिन आई थिंक देयर इज ओनली अ सर्टेन अमाउंट दैट द फेडरल गवर्नमेंट कैन रियली डू इन दिस रिगार्ड सिंपली बिकॉज डेट सर्विसिंग एंड defense financing take up the bulk of all budgetary receipts. So, isiliye provinces pe I think ab zyada focus hona chahiye ki what will be their contribution towards a crisis like this. Main ek aapse aur sawal puchunga because and I don't know if there is an answer to that at the moment because hum women empowerment ki baat karte hain kafi. So, aur hum khas tarah pe ab in the legal community हम फ्रेटर्निटी का वर्ड नहीं यूज़ करने की कोशिश करते, वी इनकरेज करिए कम्युनिटी का यूज करें. और विमेन इन लॉ इनिशिएटिव है, आई नो विमेन इन एनर्जी है, विमेन इन फाइनेंस है, सो सब कुछ. कोई आप जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या बजट को
इस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि इज इट विमेन फ्रेंडली और या विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी हम इस डिस्कशन से कुछ साल दूर हैं। आई थिंक मैंने एटलीस्ट अपने 10 साल में ये तो नहीं देखा जहाँ पे विमेन फ्रेंडली कोई बजट क्रिएट किया गया हो। आई नो देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स दैट आर डायरेक्टेड मोर टुवर्ड्स विमेन, जैसे वो बिस वाला प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और अब एहसास प्रोग्राम, दोज आर स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स विमेन एंड फंडिंग हाउसहोल्ड्स। लेकिन आई थिंक अगर ब्रॉडर अगर आप जेंडर की बात करें तो देखें, पाकिस्तान अगेन विद एज विद हेल्थ एज विद एजुकेशन, there is a long way to go with regard to women empowerment. I think hum out of we are ranked 146 out of 147 countries in terms of the gender parity. So you know we have a long way to go on this front. I think is a crisis mein opportunity zarur nikli hai for women in Pakistan and women globally as well, kyunki I think kai norms hai aur kai trends hai jo hume nazar aa rahe that will actually help women in the future. I think one of those is jo pura concept nikla hai corporate culture mein specifically, which was work from home. I think almost overnight jo hai wo you know all I would say the bulk of businesses you know whether they were in the financial space ya whether they were manufacturing space or you know just segment ya you know services space, wo ek, you know within a week 2 weeks almost everybody shifted into some sort of work from home or remote work format. And I think pehle jo ek I would say जो stigma attach हुआ हुआ था work from home का, कि ये work from home नहीं हो रहा, ये you know everybody's taking time off, ये वो stigma अब खत्म हो गया है क्योंकि out of necessity we have realized that we cannot sit close to each other in offices anymore. तो I think औरतों को जो एक बहुत बड़ा issue रहा है इस मुल्क में, which is how to actually step out of the house and move into a professional business environment. And now I think wo opportunity jo hai zyada create ho rahi hai kyunki ab employers jo hain wo bilkul indifferent ho gaye hain, I would say to a certain extent, ki koi banda ghar pe baith ke kaam kar raha hai ya wo daftar mein baith ke kaam kar raha hai. To isme jo hai auraton ke liye bahut opportunity hai kyunki jo auratein ghar se nikal nahi sakti, chahe unki responsibilities ghar pe zyada ho, unke bacche ghar pe ho, now I think there is much more opportunity to scale that aspect with regard to this situation, kyunki ab work from home is now feasible, it is now acceptable, and it is something that I think a lot of employers will now be encouraging over the next 3 to 4 years, I would say, especially after, you know, even after COVID, I think isme abhi bhi bahut advantages hain to look at work from home options. I think ek aur cheez jo samne aati hai ki a lot of our graduates, jo hamare college graduates hain, a lot of them are women, you know, I would say 40-50% are women. And you know, if you look at the overall results jo aate hain out of college graduation, the women tend to do very well, whether they are in the legal fraternity or the accounting fraternity or in the business fraternity, unke marks or grades bahut acche aate hain. Lekin kya hota hai ki you know after 1 or 2 years of graduation unki shaadiyan ho jati hain aur phir unke liye wohi प्रॉब्लम होता है कि घर से बाहर कैसे निकलें। आई थिंक अब जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं स्पेसिफिकली अगर मेडिसिन में देखें, मैं लीगल साइड पे देखूं, इतनी सारी चीजें जो है वो शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन जस्ट इन द स्पैन ऑफ द लास्ट 3-4 months, कि अब तो आई थिंक दिस वुड बी वेरी इनकरेजिंग फॉर वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिस व्हाटएवर दे हैव लर्नड, व्हेदर इट इज इन बिजनेस और लॉ और मेडिसिन, and bring that to an online system jahan pe they are able to contribute. For example, hamare bahut sari graduates doctors hain lekin wo actually medicine practice nahi karti, but now jo hame trend nazar aa raha hai ki telehealth ki taraf bahut log ja rahe hain, to udhar there is an automatic shift, I would say a very easy advantage for women who are not able to say leave the house and practice formally to engage in telehealth services. So I think bahut sari opportunities khulne wali hain auraton ke liye, and I would say ki you know as members of the professional community hame ye cheeze encourage karni chahiye, because it is only with full participation of our educated labor force ki ye mulk jo hai aage tarakki kar payega. It is not possible कि यू नो हाफ योर लेबर फोर्स इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी सिंपली बिकॉज दे हैव हाउसहोल्ड ड्यूटीज, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है. तो जितना और हम आसान करेंगे औरतों के लिए टू कम टू द वर्क स्पेस एंड टू कंट्रीब्यूट, आई थिंक उतना और बेहतरी आएगी आगे सालों में, एज फार एज यू नो हमारा इकोनॉमिक आउटपुट पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये बहुत बेहतर चीज होगी.
एब्सोल्युटली आपने बड़ी जबरदस्त बात की है एंड आई फील के एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स जो है खासतौर पे वाइट कॉलर फील्ड के अंदर वो पाकिस्तान की बढ़नी चाहिए इसकी वजह से. और एज इंटरनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लुक फॉर लो कॉस्ट सेंटर्स पाकिस्तान शुड इमर्ज नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यू रियलिटी यू नो एज अ गुड ऑप्शन. हमें ऑब्वियसली उसमें ज़रूरत है अच्छे इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्शंस की और बाकी कई कई चीज़ों की. बट दिस इज समथिंग दैट डेफिनेटली पीपल विल लुक एट. अपने हेल्थ की बात की फॉर द व्यूअर्स जिन्होंने ना देखा वो सेहत कहानी डॉक्टर्स मरहम ओला डॉक इस तरह के कई अब प्रोजेक्ट्स हैं जो कैटर कर रहे हैं. लॉट ऑफ द डॉक्टर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म आर फीमेल डॉक्टर्स वर्किंग फ्रॉम होम. इसी तरह लॉ कॉलेज में लड़कियाँ ज़्यादा हैं और प्रोफेशन में आप जब आके देखते हैं तो लड़कियाँ बहुत थोड़ी नज़र आती हैं. सो तो डेफिनेटली वो यूटिलाइज होनी चाहिए की कैपेबिलिटी एज वी गो अलोंग. फिलहाल एक सवाल ये था कि ये काम तासर है कि कोई नए टैक्सेस नहीं इंट्रोड्यूस हुए इस बजट, क्या ये सही बात है? एंड सेकेंडली माहिन ने ये बात की कि जी सियासत को नहीं मिक्स करना चाहिए, खासतौर पे फाइनेंस के साथ तो बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नए टैक्सेस बिल्कुल नहीं लगाए गए. इनफैक्ट काफी टैक्सेस में कमी भी आई है. अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिसेंट एग्जाम्पल दी जाए, उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपने बजटिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में. एग्जाम्पल ये, अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो आपको जीएसटी जो है वो कम देनी पड़ती है, 16% नहीं 5%. तो मिसाल है 116 रुपए वाली चीज आपको 105 रुपए की मिलेगी, नंबर वन. नंबर टू, सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो है वो आपका थ्रेशोल्ड बढ़ाया था सीएनआईसी के लिए, जैसे हम कह रहे थे, तो दैट टू इज अनदर डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव. अलॉन्ग विद दैट, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, आपकी सर्विसेज हो, आपके होटल्स हो, केटरिंग हो, इन सब की जो है जीएसटी जो है जनरलाइज सेल्स टैक्स जो आपको देना पड़ जाता है, जो प्रोविंसेस की किटी में जाता है, वो 16% से 5% देने के प्रपोजल दिया गया. यही चीजें जो है हमें एक चाहिए होती हैं इकोनॉमी को इस वक्त स्टिमुलेट करने के लिए. और ये बिल्कुल सही बात है कि टैक्स इस वक्त कोई नहीं लगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने सिर्फ तीन चीजों से अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने की इस मरतबा कोशिश की है बजट में. वो ये है कि पेट्रोल के ऊपर जो है फी लीटर वो लेवी बढ़ा देंगे, जो टैक्स है वो बढ़ा देंगे फुल एक्सटेंट तक, 30 रुपीज फी लीटर. नंबर टू, स्टेट बैंक गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे देगा, दैट्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर. तीसरा ये है कि टोबैको हो गया, आपके ये ई सिगरेट्स हो गए, ये है, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा टैक्स रेवेन्यू इन चीजों का जो इनलास्टिक है, जो मतलब आपकी डिमांड फिर भी इनके ऊपर रहती है, वो इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती जब इनकी प्राइसेस पे यहाँ आपकी जिंदगी का ये हिस्सा होता है रोजमर्रा के. सो यस, टैक्सेस के हिसाब से आई थिंक नए टैक्सेस बिल्कुल नहीं लगे, ठीक है, एंड आई थिंक द स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ, दैट हैज बीन टेकन. एक्सेलेंट. सो और सियासत को दूर रखना चाहिए फाइनेंस से? सियासत को आप दूर चाहते हुए भी नहीं रख सकते अनफॉर्चुनेटली. मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए हम लोग जो है ना, वी आर स्टिल अ न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है, बोलना चाहिए, और फ्रेश डेमोक्रेसी बोलना चाहिए इन रियल टर्म्स. हमारे यहाँ बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक हुकूमत ने 5 साल पूरे कर दिया, ठीक है जनाब, तो उसको हम बड़ी अचीवमेंट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं. लेकिन अभी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के फोकस ही होता है री इलेक्शन तक, कि अगले 5 साल तक ऐसी बैलेंस शीट दिखाओ, ऐसी बजट दिखाओ, ऐसे जीडीपी के नंबर दिखाओ कि हमें वोट वापस मिलने लगे. इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले तीन गवर्नमेंट्स में आखिरी 1-1.5 साल जो है वो गवर्नमेंट इतनी स्पेंडिंग कर देती है, इतनी बोरोइंग कर देती है कि वो अगले वाले के लिए मुश्किल हो जाता है वजन उठाना, और वो शुरू से 1-2 साल वो कहते हैं हम तो पुराने वाले वजन उठा रहे हैं, ठीक है. सियासत को आपको डेफिनेटली ये दूर करना चाहिए, बट हो नहीं सकता. लेकिन पाकिस्तान को जो है उसको प्रायोरिटी नंबर वन देनी चाहिए. मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ, अगर आपको डैम्स आज कंस्ट्रक्ट करनी है जिनमें 8 साल लगेंगे, आपको 7 साल लगेंगे, तो आप जो है उनको बिस्मिल्लाह करके शुरू करवाएं, आज ही फंडिंग कराएं, चाहे आप हुकूमत में है नहीं है, लोग याद रखेंगे और शायद इसकी वजह से ही आपको वोट्स भी मिल जाए, इवन दो यू कैन नॉट शो केस, आप दिखा नहीं सकते, वोट उठा नहीं सकते उसकी वजह से. सिमिलरली जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, देखिए ये होती है सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट. इसके आज अगर आप बीज बोते हैं तो उसके 20 साल बाद 10 साल बाद आपको रिटर्न मिलता है,
ठीक है जनाब, तो इस पे अगर स्पेंडिंग गवर्नमेंट सब बढ़ाएं, प्रोविंसेस एंड फेडरल बढ़ा के देखें, और हेल्थ केयर पे और आपके आईटी पे, ठीक है, तो आप एक कोई फ्रेमवर्क पाकिस्तान का जो है मजबूत करना, जो फाउंडेशन हो, ताकि जो आपको उसके फल मिले वो 10 से 15 साल में नजर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो सियासत को मिलाया ही जाता है, बिकॉज अभी भी शॉर्ट टर्मिज्म पॉलिसीज हम देख रहे हैं। होपफुली उम्मीद करते हैं कि जैसे ये डैम्स बन रही हैं, एजुकेशन पे भी लोग इतना सीरियस देंगे। एजुकेशन टू इज ऑल्सो अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, सिर्फ ये फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी नहीं है। और ये आप देखें, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम वुमेन वर्क फोर्स एंड द मेन सेग्रीगेशन के अलावा भी आप खवातीन को या मर्दों जिनको भी पढ़ाएं, आपको उससे रिटर्न इतना अच्छा मिलता है इन द लॉन्ग टर्म कि आपको इकोनॉमी ग्रो कर जाती है, आपकी जीडीपी ग्रो कर जाती है, आपके टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका रिटर्न रिटर्न 10-15 साल बाद आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ना कुछ जो है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पुरानी गवर्नमेंट के हमारे थे, सीपेक लेड, आपके रोड्स, बिजली, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाले ब्रिजेस बना दिए इस गवर्नमेंट के, हमें लग रहे हैं डैम्स के साथ साथ उनको इकोनॉमी का लोन कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। लेकिन एक सेक्टर आप देख रहे होंगे बार बार जो गवर्नमेंट इसके ऊपर एम्फसाइज कर रही है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन को इस बजट में भी ठीक ठाक उन्होंने टैक्स से आपके बेनिफिट्स दिए हैं, और कंस्ट्रक्शन पैकेज में एमनेस्टी भी दे दी है। सो गवर्नमेंट का ये अपेरेंटली नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के थ्रू, ये भी समझ लें कि एक पॉलिटिकल चीज है जो टेंजिबल नजर आती है लोगों को, जिसके ऊपर ये वोट लिए जा सकता है। अगर ये एजुकेशन पे हम इन्वेस्टमेंट करें सिमिलरली या इवन 1/10 ऑफ दिस, तो इसके 5 से 8 साल में आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ सकती हैं, और आपकी इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। सो लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर होती रहेंगी वक्त के साथ साथ। नहीं, ये आपने ये भी अच्छी बात की, क्योंकि बजटरी एलोकेशंस और वो पॉलिसी की जो बात कर रहे थे कि अभी अगर हम उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसका रिजल्ट कल के बजट्स के ऊपर बहुत अहम आ सकता है। और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ या अब उससे भी आगे जा रहे हैं दुनिया के ममालिक, हम अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ही हैं या चलें, अब हाउसिंग इज़ द न्यू थिंग। सो आई होप के इन सब चीज़ों की तरफ काम हो। एजुकेशन एज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू बिल्कुल है, और इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन अभी पिछले 3 महीनों में कम अज़ कम हमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि हेल्थ भी एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। सो उससे पहले तो हमें वो भी रियलाइजेशन नहीं थी। कोटिंग द लॉ ने और कई वकीलों ने मिल के हमारे साथ, हमने इसके ऊपर बाकायदा लिखा है और पॉलिसी पेपर बनाए हैं ऑन नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी, और क्या क्या करने की ज़रूरत है इसको उस तरह लेके, तभी ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, बिकॉज अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो एजुकेशन के ऊपर भी आई थिंक इट्स अ ग्रेट थॉट के एक नेशनल एजुकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर, और उस पर काम होना चाहिए। सो वी लीविंग दैट थॉट आउट देयर फॉर द लॉयर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू वर्क ऑन इट, और इसके क्या डायनामिक्स हो सकते हैं। सो टूवर्ड्स द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क के रिकमेंडेशन क्या हैं, और रिकमेंडेशन देखें कई आ गई हैं कि इन इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए और इसका आगे इम्पैक्ट हो सकता है। बट माहीन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, एनी स्पेसिफिक पॉइंट्स? आई थिंक एक चीज तो बहुत क्लियर हुई है इस पूरे क्राइसिस में कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस मुल्क पे, जो इतना आई वुड से बहुत रैपिडली एकदम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एम्फोसिस दे इन टर्म्स ऑफ आई वुड से, पहले तो एक पूरी आईटी इंडस्ट्री जो हमारी है इसमें पोटेंशियल बहुत है, बोथ फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक इस पे अगर थोड़ा फोकस दिया जाए कि हाउ कैन वी मेक आर सेल्व मच स्ट्रॉन्गर इन द नॉलेज इकोनॉमी, आई थिंक हमारे जो बेसिक जीडीपी को देखिए, हमारी जो इकोनॉमी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट एग्रीकल्चर है, एक दूसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट सर्विसेज है, और तीसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग है। ये 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखें तो आईटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नॉलेज, ये दीज आर नाउ बज वर्ड्स एंड दीज आर नाउ द बेसिक्स आई वुड से ऑफ वेरी लार्ज इकोनॉमीज। एंड आई थिंक हमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ है जहाँ पे वी हैव बीन फोर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी हमारी ये है कि हमारी डोमेस्टिक जो आईटी
इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा मिल सकता है. एंड दिस इज समथिंग आई थिंक द लीगल फ्रटर्निटी कैन लुक इनटू, द अकाउंटिंग फ्रटर्निटी कैन लुक इनटू, एंड समथिंग दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड ऑल्सो बी लुकिंग इनटू, के हाउ डू वी मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड हाउ डू वी मेक इट मोर रोबस्ट सो दैट इट नॉट ओनली सर्विसेज द नीड्स ऑफ our domestic system, but it can also provide the possibility for export, for replacement of our very, I would say old and sometimes I would say uncompetitive industries that have been propped up in this economy. And we now need to look towards the future. And the future is ki hamari bahut ek young population hai. It is a population that is an early adopter of technology. This is not an alien concept to them. And I think now jo policy makers ko sochna chahiye ki how do we address the needs of this very young population, whether it is in the digital space or the entrepreneurship space, inko hum jobs kaise denge aage jaake. Aur mujhe to ek hi avenue bahut strong ya nazar aa raha hai which impacts everything very positively, and that is this area. And I think this merits more attention. It deserves a separate policy framework in itself, and it deserves that I would say status, so that it is looked on as a real player. Humne construction, real estate, manufacturing ko bahut ahmiyat di hai, textile ko bahut ahmiyat di hai pichle 30 saal mein, lekin shayad hame wo returns nahi mile in terms of export and in terms of domestic capacity jo hame milne chahiye the. Lekin agar hum IT ki taraf dekhe to without much significant cost in terms of human capital shayad hum is industry ko bahut jaldi khada kar sake, and that will have a knock on effect I would say on almost every other industry and every other service provider in the country. So that would be my suggestion, that that's something we should be looking at very seriously now. थैंक यू माहिन फॉर दैट. और मैं इसमें ये भी करूँगा कि आम तासुर ये होता है, और शायद वो बिल्कुल गलत भी नहीं है, कि इस तरह के कंसेशंस और इंडस्ट्री फोकस जो है उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है या उसके पोजीशन बेनिफिट लेने की पोजीशन में चंद सौ एट मैक्स ग्रुप्स होंगे या हमारे ही मेरे और आप दोनों के ही दोस्त अहबाब होंगे. लेकिन जो आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप के सिस्टम को स्टिमुलस देने की बात है तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट नेचुरली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स तक जा सकता है लोगों के अंदर, और उनमें से कई जो हैं वो कल किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप से ज़्यादा बड़े बन सकते हैं. हमारे पास अब एग्जांपल्स हैं करीम की भी और अब ज़मीन डॉट कॉम के ग्रुप की भी, कि आप इंटरनेशनली कैसे अपनी पोजिशन को लेवरेज कर सकते हैं और बिलियन डॉलर कंपनीज भी बन सकते हैं. अरसलान आप क्या कुछ कहेंगे इस पॉइंट पे? जी तैमूर, आई थिंक सजेशंस के हिसाब से कुछ मल्टीपल चीजें हमें देखनी होंगी. जो हमारे कोर इकोनॉमी के इश्यूज क्या है वो बड़े सिंपल है. हमें सबसे पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो बार बार आ जाता है, जो हमारी करेंसी को बिल्कुल ये तबाह कर देता है, हम लोग फिर 5 साल पीछे चले जाते हैं, इसको बिल्कुल परमानेंटली एड्रेस करना है. नंबर वन उसका तरीके से ये है कि हमारी एडिक्शन जो आवाम बाहर जा रही थी मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज में रेमिटेंसेस के लिए, वो हमारी एडिक्शन अभी खत्म हो गई है कोविड की वजह से. वो रियलाइजेशन जल्दी आए तो बेहतर है, ताकि हम फोकस करें ग्लोबली इंटीग्रेट करने के लिए और थ्रू एक्सपोर्ट्स. एंड एक्सपोर्ट्स एज वी वर डिस्कसिंग, एक्सपोर्ट्स में आपको प्राइमरीली आपको आईटी एक्सपोर्ट्स को फोकस करना चाहिए, या आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी आप ये रियलाइज करें. ठीक है कि हमारे पास आवाम है जो इंग्लिश स्पीकिंग हो सकती है, जिनको आप तो फिर कॉल सेंटर में बिठा के आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कराएं. ठीक है जनाब, तो आपको एक कोर कॉम्पिटेंसी अपनी रियलाइज करने की, हमारे पास चीप लेबर है उसको हम एजुकेट करेंगे तो हमें इतना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है. सो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे क्राइसिस है उसको परमानेंटली रिजोल्व करना होगा, नंबर वन. नंबर टू जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हम कहते हैं कि सबको टैक्स के नेट के अंदर लेके आना होगा, उसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप कैशलेस इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने की कोशिश करें. मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया ने जो बड़े नोट्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1000, 2000, 5000, वो डिमोनेटाइज किया, मतलब वो खत्म कर दिए, सोचा कि ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी. उसके उनको नुकसान भी है, लेकिन चाइना ने ये नहीं किया, और चाइना इज अ मच कैशलेस इकोनॉमी आज के जमाने में देन इंडिया. ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म करवाएं, आपको सैलरी देनी है अपने मुलाजिमों को, आपके जिनको भी, तो आप थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग करें, जिसकी ट्रांजैक्शन हो, जिसकी ईज हो,
दूसरी चीज, तीसरी चीज आई वुड से खुदारा, ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में हमारे 100 अरब रुपए हर साल जो चले जाते हैं, जो हम लोग डब्बे में डाल देते हैं होल के अंदर और उसकी कोई रिकवरी के कुछ बातें नहीं है, इस प्रोसेस को आपको एग्रेसिवली पुश करना पड़ेगा ताकि गुंजाइश बने आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कामयाब जवान में हमारी एलोकेशन, कामयाब जवान प्रोग्राम जो हुकूमत के प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छे हैं, फोकस्ड है और सब्सिडाइजिंग है, एंटरप्रेन्योरियल है, रिस्क टेकिंग, लोगों को इनकरेज कराता है। इसमें एलोकेशन आपकी चंद बिलियन रुपीस की है। अगर आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस ही खत्म करके अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट देते पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि हमने 200 मिलियन डॉलर्स रखे हैं लॉस शेयर करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम में, तो आपके जो जॉब क्रिएटिंग लोग हैं, जो यूथ है, वो कुछ सोचने पे फोर्सफुल हो जाती कि हम लोग कोई कारोबार करते हैं और फिर उसका रिपल इफेक्ट बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो मेरी सजेशन तो ये है कि सबसे पहले हम लोग ये एक्सपोर्ट पे फोकस करें और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें और स्टेट एंटरप्राइज, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, ये वो चीजें जो हम लोग जल्दी कर सकते हैं बनस्पत 10-15 साल के प्लानिंग से। एक्सलेंट जी, सम एक्सलेंट पॉइंट्स फ्रॉम द डिस्कशन टुडे, मेरे अपने लिए एंड आई एम श्योर जो दूसरे सुनने वाले हैं उनके लिए भी। थैंक यू बोथ माहीन एंड अरसलान फॉर जॉइनिंग मी। हमारा एक घंटा हो गया है, मुझे पता है आपको दोनों बिजी हैं, आपके और भी काम है, सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। थैंक यू सो मच तैमूर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक सेकेंड।